से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। We no other person inspires hope. Hussein inspires action. Hussein inspires liberation. Hussein inspires ethics over personal ambitions and personal agendas. And today, we have gathered to remember that. इंतखाब अहमद आपके साथ एक नई एपिसोड लेके हाजिर हैं। बिल्कुल नाजरीन, और मौसम बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा एक रोशन दिन है, और धूप की सूरज की किरणें जो है वो बड़ी नरम नरम शुआएँ जो है वो पड़ रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मज़े की बात यह है कि अक्टूबर शुरू हो गया है, जो कि ऑफिशियल ख़िज़ा भी शुरू हो गई है, लेकिन ख़िज़ा नहीं आई है। मतलब आप देखेंगे हमारे पीछे ये हरा भरा दरख्त है, चारों तरफ ग्रीनरी है, अभी तक फूल भी खिले हुए हैं। कहीं कहीं ख़िज़ा के जो हल्के से कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे तो ख़िज़ा के बहुत कलर्स हैं, ऑरेंज है, येलो है, रस्ट है, मगर जो होती है ख़िज़ा वैसी पूरी नहीं आई है, और वेदर भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ जी, बहार भी लेट हुई थी इस दफ़ा, तो बहार लेट होने से के साथ साथ ख़िज़ा भी लेट हो रही है। ये ग्लोबल वेदर चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं दुनिया के हालात में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे अजीब बात है कि यूजुअली सितंबर अक्टूबर कनाडा में बहुत ठंडे होते हैं, यहाँ वैनकूवर में तो हीटर चलने शुरू हो जाते हैं सितंबर एंड में। मुझे याद है लास्ट ईयर जो है वो सितंबर एंड में हीटर चलने शुरू हो गए थे। नाज़रीन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वाकई वो लोग जो है ना वो कंबलों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, और गर्मी जो है वो अपनी कंटिन्यूटी जारी रखे अभी हुए। गर्मी कंबल हो गई है गर्मी कंबल। तो बात ये है कि जिस तरह से मौसम जो है वो बहुत ही गैर मुतवक्को रहा पूरे इस साल में, आप देखिए कि बर्फबारी बहुत अनयूजुअल हुई, मार्च तक यहाँ बर्फ़ पड़ती रही है, गैर मामूली बात है। इसी तरह से ख़िज़ा जो है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं आई है, ये भी गैर मामूली बात है। दरख्तों पर पत्ते जो हैं वो पूरे हैं, कहीं भी आपको ऐसे टुंड मुंड झाड़ नज़र नहीं आएंगे जो हमें नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी के बात ये कि टेम्परेचर जो है वो अभी तक नहीं गिरा है, और कहीं बल्कि भाई कल तो पंखे चल रहे थे, कल पंखे भी, आज भी यही हालत है। इतना अच्छा सन शाइन हो रहा है, मेरा ख्याल है जब सूरज होता है तो अपनी वो हिद्दत जो है किसी भी हालत में, चाहे दिन छोटे हों, जब भी सूरज जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सूरज तो ज़ाहिर है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है, और सूरज जो है और विटामिन डी भी मिलता है इससे। हाँ, विटामिन डी भी मिलता है। तो बात हो रही है नाज़रीन मौसम की, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। I'm here in Tokyo, Japan, and I'm with my bro Stevie J. We had an amazing day, an amazing weekend here, but I'm here to talk to you about what's happening on Friday, October 6th. We're hosting a fundraiser for benefiting Islamic Relief and the people of Myanmar, the Rohingya people. They're having a very tough time and they need your help. So please come October 6th at the Grand Taj Banquet Hall. Come and visit us. Come help the Rohingya people, help humanity, help yourselves and help the world. Stevie, yeah. What do you think? Yeah, absolutely, guys. Look, have you ever felt pain? Maybe you're watching this video now, maybe you're in some pain. I don't know what that might be. Whatever it is, guys, if you felt pain,
I'm sure you can empathize. But these people are in genuine pain, and they need help and they need support. So let us give something to help this great cause, guys. Extend the hand of friendship to each and every person. Send a message. Send a message to these kids in Islam. It is. Let's share and let's help the Rohingya people. Let's do it together. Thank you. Thanks for that. I do want to take a minute to talk about a fundamental right, the right to security, the right to life. We've all seen what is happening in Myanmar, in Burma, in the Rakhine state with the Rohingya. And I am quite, I have no words. The level of engagement, the level of interest by Canadians all across Canada in this issue, where the United Nations is claiming that there is a genocide that is occurring, not just today, not just over the past week, but over the past 30 years, where a minority has been prosecuted, has been persecuted, and continues to be. I encourage all of you to step up and do your part as civil society, as individuals, as parts of humanity. I know that the government of Canada has strongly condemned the actions and has really, really put the pressure on Aung San Suu Kyi, the state councillor, as well as the government of Myanmar, to really step up and to intervene in this issue and to really stop the human rights abuses that are occurring. I myself, as a member of the International Human Rights Subcommittee in Ottawa, I've been working on this very specific issue for the past 2 years. And we provided recommendations to the government of Canada. And we continue to be engaged and we continue to work very hard towards ensuring that the displaced persons, the Rohingya minority, are at the very least have the basic necessities, are at the very least have the security, at the very least can be able to flee and to be able to eat and to take care of their children. And we continue to work on that matter. So I encourage all of you to really engage on this issue and to be aware and to do your part as I am doing my part. Because quite honestly, I feel that this world is nothing if we don't all give our one drop to the building of it. The world that we leave today is going to be the world that our children are going to grow up in tomorrow. And let that little boy who was my father wanted a better world, and so he educated himself, he educated his children so that they could contribute to the building of a beautiful world that is Canada, that is Pakistan, that is so many other countries, that is humanity that you all are part of. So I want to thank you all in advance for all of the great work that you're doing for the Citizens Foundation. I want to thank you all for your engagement in the Rohingya issue. I want to thank you all. We're going to have fundraising on October 6th for the people of Burma. Actually, we took this initiative because we feel that the world peace is in jeopardy and humanity is in disaster. And we need people with hearts to take action, be part of it, come to the fundraise, donate generously, and participate and show the world that we care about humanity. We want humanity to keep in a stable status. Thank you. Dil Apna Pakistan. नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ डॉक्टर हुमा मीर और इंतखाब अहमद हाज़िर हैं और जनाब पूरी इस वक्त दुनिया भर में जो है वो सियासी सूरत हाल जो है वो खासी अजीबोगरीब है जी बहुत अजीबोगरीब हो रही है कुछ मुल्कों में इंसानियत की तदलील बहुत ज़्यादा हो रही है
वैसे ऐसा लग रहा है जैसे जनरली अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसा लगता है जैसे कोई क्राइसिस आया हुआ है और हर तरफ कोई एक मुसीबत है, आलाम है, परेशानी है और कुछ जुल्म का बाजार गर्म है. कहीं भी हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई पीस हो, कोई हार्मनी हो और लोग चैन से रहें. जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि देखें जंगल का भी एक कानून होता है ना, सिर्फ भूखा जानवर जो है वो दूसरी अपने हम नस्ल को नहीं मारता पहले नंबर पे, और फिर वो दूसरे जानवरों पे अटैक करता है, और जब पेट भर जाता है तो भूखा जानवर बिला वजह नहीं मारता किसी को. देखिए ये इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम ये जानवर की बात करें तो वाकई पेट भरा जानवर तो हमला नहीं करता, लेकिन इंसान पर कभी कभी ये जबलत इतनी हावी हो जाती है कि वो दूसरे इंसान पर जुल्म करता जी, है. जी बिल्कुल. तो अब इस वजह से काफ़ी दुनिया में आप देखें रेफ्यूजीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग जो है वो दीगर ममालिक में पनाह हासिल कर रहे हैं, पनाह गजीनों की तादाद बढ़ती जा रही है. और मैंने ये हुआ एक ख़ास बात ये देखी है कि जिन मुल्कों के दरमियान में एथनिसिटी के लोग रहते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, अमूमन बॉर्डर्स के अक्रॉस होते हैं, दोनों तरफ होते हैं वो लोग, और उनको वही लोग ज़्यादा ट्रबल में हैं. जैसे आप बर्मा का देख लें, बर्मा में लोग जो हैं रोहिंग्या नस्ल के लोग वो बांग्लादेश में भी हैं, इंडिया में भी हैं और बर्मा में भी हैं, वो तीनों तरफ डिवाइडेड हैं, लेकिन बर्मा वालों ने तो जुल्म की इंतहा कर दी उनकी. जी इस वक्त काफ़ी ये बातें ज़ेर बहस हैं कि आप देखें कि कनाडा जो है वो काफ़ी इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं, पनाह गज़ीन रेफ्यूजीज़ आते हैं. पिछले दिनों सीरियंस का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स था कि सीरिया से लोग आ रहे थे पनाह गज़ीन. अब इस वक्त जो है एक जो नया मसला खड़ा हुआ है, मसला तो पुराना है लेकिन इस वक्त दुनिया के सामने जो है वो इस वक्त आया है, वो बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ रखा जाने वाला नारवा सलूक, और उस हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो बात हो रही है. और रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ से हिजरत कर रही है, कुछ जो है वो बांग्लादेश पहुँचे हैं, कुछ जिसकी जो जितनी इस्तात है जितनी सकत है वो वहाँ जा रहा है. तो एक क्राइसिस का आलम है बर्मा में और उस पर पूरी दुनिया में एक बहस जारी है. जी हम देखें क्राइसिस होना ह्यूमैनिटेरियन के वो डिस्प्लेस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, के डिस्प्लेस हो रहे हैं कोई बात तो है ज़रूर कि उनके घरों से निकाला गया, उनके बिजनेसेस से निकाला गया. अब जो एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, जो मारा जा रहा है इतनी बेदर्दी से, इंसान इंसान को मार रहा है, और वो एक लम्हा फिक्र है. जी बिल्कुल. और इस हवाले से नाज़रीन हम ये बताएं कि यहाँ जो है एक प्रोग्राम हो रहा है उसके हवाले से हम आपको कुछ बताते हैं, तफसीलात वो रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से ही है. तो नाज़रीन फ्राइडे 6 अक्टूबर को ताज बैंक्वेट हॉल में इस्लामिक रिलीफ वालों ने यहाँ पे एक फ़ंड रेजिंग रखी है, और वो फ़ंड रेजिंग रोहिंग्या मुसलमानों के लिए है. एवरीवन इज़ इनवाइटेड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इनवाइटेड देयर हु हैज़ अ हार्ट टू फील द पेन ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम्स. देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान. I just want to look at you and I want to tell you how humbled I am. And I don't know if I'm worthy to stand on this dais and speak out in your speech. All freedom-loving people around the world and to all of Canada, God bless you. I've traveled around the world and I've seen a lot of good things in the world and I've seen a lot of bad things in the world. I do a lot of humanitarian work. Because I was born, I was bred, and I was raised Jewish in a Jewish family in Kitchener-Waterloo, and my Judaism and my Jewish roots proclaim that I am my brother's keeper. I am my brother's keeper, and my brothers are the Rohingya that are suffering today in this world. Thank you, Michael Lublin. Thank you very much. So I stand before you with 3,500 years of history, of persecution, of racism, wrongs, of the Inquisition, of the Holocaust, and I'm here to tell you today, my Muslim brothers and sisters, it's time that we stand up and we say to the government of Burma
and we expect the Canadian government to hear us. Enough is enough! The carnage and the horror and the genocide and the ethnic cleansing is going to stop, and it's going to stop right now, or you will never, never, ever forget our voice. Thank you. 3,500 years of destruction and horror has to come to an end. I am my brother's keeper. What I do for myself, I do for everybody. And I also expect the same in return. I want to say United States Supreme Court Justice Antonin Scalia, when he finished visiting as a young man the concentration camps of Dachau, he said something very interesting. He said, progress is not inevitable. Progress is not inevitable. In other words, nothing really had changed in thousands of years in the world. If we want change, we have to work for change. If we want our voices to be heard, we have to stand up and proclaim our voices loud and clear so governments around the world hear our cry. The great Nobel laureate, Elie Wiesel, who survived the Holocaust, had said, what is the opposite of love? Everybody thinks the opposite of love is hate. The opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Indifference. And not one Canadian can stand up and say, I'm indifferent to what's going on in Burma with the Rohingya. So we will continue. We will work together. You have my word. You have my money. You have my heart. You have my soul. Let them celebrate the greatness of your nation, the greatness of the Rohingya people. But let them feel our pain. Let them hear our suffering words. And let them stand up with us and proclaim that one day, the Rohingya people will be free. Free at last in their own nation. God willing, God bless you all, and thank you. Assalamu alaikum, Nazreen. Dil Apna Pakistan ke saath Intikhab Ahmed hazir hai. और आज के इस एपिसोड में नए इस्लामिक साल के बारे में हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान रहमा मस्जिद इमाम रहमा मस्जिद हमारे साथ हाजिर हैं। फराज सिद्दीकी आपसे इंटरव्यू लेंगे, तो प्रोग्राम में साथ रहिए। तो दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं फराज सिद्दीकी। हम यहां पर आज हाजिर हैं मौलाना अब्दुल रहमान साहब के साथ। नया साल शुरू हो चुका है इस्लामी, तो उस सिलसिले में उस नस्बत से हम अब्दुल रहमान साहब से बात करेंगे, वाकयात के ऊपर बात करेंगे और ब्रीफली ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम जो इस्लामी साल है उसकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बरकात हो। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में हिस्सा डालने के लिए और इनवाइट करने के लिए। इंतखाब साहब आपका भी, सिद्दीकी साहब आपका भी, और मैं आप हजरात को पहले मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू किया है दिल अपना पाकिस्तान, और मेरी दुआ है कि आप इसमें मज़ीद तरक्की करें इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। तो मौलाना साहब, जैसे कि इस्लामी साल अभी शुरू हो चुका है मुहर्रम, और हमारे सब कम्युनिटी के लोग और मुसलमान और पाकिस्तानी और दीगर कंट्री से जो मुसलमान लोग आए हुए हैं और यहाँ पर न्यू जनरेशन है, उनको आप क्या बताना समझते हैं कि क्या बताना चाहिए उन्हें मुहर्रम के बारे में, मुहर्रम की फजीलत के बारे में, और फिर वाकयात का भी कुछ जिक्र कीजिएगा कि मुहर्रम की क्या फजीलत है, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस्लामी साल शुरू हो गया है। जी जी बिल्कुल। है उसकी कमी कोताहियाँ माफ़ फरमा दे बिल्कुल, और आने वाले साल को अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला इसको अमन का साल और ख़ुशी का साल बनाए। बिल्कुल। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का महीना कहलाता है, और मुहर्रम से ही हमारा साल शुरू हो जाता है। और ये जो पहला महीना है मुहर्रम का, मुहर्रम के माने होते हैं एहतराम वाला। बिल्कुल। तो इसको मुहर्रम इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तारीखी वाक़यात हैं जो हमारे मज़हब इस्लाम के साथ रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो तारीख़ी हैं, इस्लाम से पहले के हैं, उनका ताल्लुक़ भी इसी महीने के साथ है।
اسی لیے اس کو احترام والا مہینہ محرم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا, شہر اللہ. اچھا, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اچھا, جیسے بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں, اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, تو اسی طرح محرم کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. اچھا, یہ تو نئی نالج میں اضافہ کیا. تو اس کی بہت بڑی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو اس سے ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے, بالکل نئے سال کی شروعات ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو 10 محرم ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں, بالکل بالکل اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس ایک روزے سے اللہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا. واہ, ایک سال کے پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے. یعنی کہ ابھی رمضان میں آپ نے اپنے گناہ معاف کروائے, معاف کروائے, اب محرم, اور محرم کے اندر پھر جب آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور 10 محرم الحرام, یہ ہماری جو تاریخ ہے, انسانیت کی تاریخ ہے, اس کے اعتبار سے یہ بہت اہم دن ہے. اچھا, مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن پیدا کیا, زمین و آسمان کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی, اللہ نے جنت کو بھی اسی دن بنایا. اچھا, یعنی کہ 10 محرم, 10 محرم کو. اچھا اچھا, اسی طرح پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے عذاب سے اور اس کی تکلیفوں سے نجات دی, اس کے ظلم سے نجات دی, تو وہ بھی 10 محرم الحرام. یعنی کہ 10 محرم کی اتنی اہمیت ہے ناظرین. تو یہاں پر دیکھیں کہ مولانا عبد الرحمٰن صاحب کتنی اچھی بات ہے ہمیں محرم کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ پروگرام جاری رہے گا, ان سے واقعات بھی معلوم کریں گے. تو یہاں پر ہمیں ایک لینی ہے بریک, تو ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. Assalamu alaikum, this is Yusuf Barakat. I'm the president for the Canadian Arab Forum of BC. This is to tell you that we're going to have a fundraising on October 6th for the people of Burma. Actually, we took this initiative because we feel that the world peace is in jeopardy and humanity is in disaster. We need people with hearts to take action, be part of it, come to the fundraise, donate generously and participate and show the world that we care about humanity. We want humanity to keep in a stable status. Thank you. Dil Apna Pakistan. Maulana Abdul Rahman sahab, could you please explain to new generation about the importance of new Islamic month, where Islamic year starts? So what are the importance and what are in a briefly form? From the beginning of this universe, Allah subhanahu wa ta'ala created 12 months, which is starting is our calendar from January to December. Same thing, Islamic calendar is starting from Muharram to Zilhajj. So Muharram is the first month of Islamic calendar, which is already started. And the year was 1437, which is already finished. And now 1438 Hijri is started. Muharram, first of all, because this is the first month of Islamic calendar, so that's why it's a very important month. Secondly, because in this month, the 10th of this month is called Yom Ashura. And Yom Ashura is a very historical day in Islamic history. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to fast 10th of Muharram, Yom Ashura. Okay. And he advised his followers that everybody should fast on this day, because fasting of this one day delete the sins of whole year. Whole year. That's the benefit. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that it would be better if I would be alive next year, so I will fast 2 days, 9 or 10th or 11th, okay, of Muharram al-Haram.
So that's why Yom Ashura is important, because of this one day that Allah subhanahu wa ta'ala gave so much fazilat to this one day, that if you fast this one day, it will delete the sins of whole year. Secondly, because Adam alayhi salatu wasalam is created on this day. On 10th of Muharram. Allah Rabbul Alameen created whole universe on 10th of Muharram al-Haram. And in one narration of Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said that the day of judgment will be also taking place on same day. Mm-hmm. There will be 10th of Muharram al-Haram. So the beginning of this universe is started from this day, and the end of this universe will be on same day. That's why it's a very important day. And on the first of Muharram, the second Khalifa of Islam, Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu, he was martyred in this month. So that is also a very sad story. Exactly. In the Allah sallallahu alayhi wa sallam, the son of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. And the story, famous story, which is called the Battle of Karbala. Karbala. So that's and, very yes, important yes, and tragic incident happened. Accident happened in the yeah, history of Islam. Islam. तो नाज़रीन देखते रहिएगा दिल अपना पाकिस्तान. यहाँ पर हमने बहुत अच्छी बातें की और मौलाना साहब ने हमें एक्सप्लेन किया तो और इम्पोर्टेंस बताई मुहर्रम की. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब. आप हज़रात का शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया और मेरी नेक ख्वाहिशात तमन्नाएँ दुआएँ आप हज़रात के साथ हैं. हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वंस अगेन आपको भी और अल्लाह ताला हम सबको वो काम करने की तौफीक दे कि जिससे अल्लाह राजी हो. बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा. आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा. इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में. देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान.